नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज कमल और आप देख रहे हो इंडियन ऑटो बाइक। आज हम बात करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के बारे में, तो इसके बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। आज के टाइम ये बाइक आपको कितने में आएगी, एक शोरूम प्राइस बताएंगे, ऑन रोड प्राइस बताएंगे और फाइनेंस डिटेल भी बताएंगे, और बात करेंगे कि इस बाइक में अभी के टाइम में आपको इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, और इस बाइक में आपको इंजन के बारे में बात कर लेंगे हम माइलेज, और इस बाइक में जो है एडिशनल फीचर आपको क्या क्या मिल जाता है। तो चलिए इसके जो है फुल डिटेल्स रिव्यू स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको बात करेंगे सारे डिटेल्स एक साथ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए इसके फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट में इस बाइक में आपको क्या क्या मिलता है। तो फ्रंट में आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर फ्रंट में आपको DRLs मिल जाएंगे, डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाएगा। नीचे आपको हेडलाइट के हम बारे में बात कर लें तो इसमें आपको हेलोजन बल्ब भी देखने को मिलेगा, LED इसमें आपको नहीं मिलता। इंडिकेटर में भी आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा, दोनों साइड में आप देख सकते हो इंडिकेटर, इसमें आपको नॉन फ्लेक्सिबल मिलेगा। बाकी वाइजर पर आप देख सकते हो ब्लू कलर ये ग्राफिक्स मिल रहा है इसमें आपको, यहाँ पर आपको वाइजर पर हीरो स्प्लेंडर प्लस का स्टिकर मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके जो है ब्रेक व्हील सस्पेंशन की बात कर लेते हैं एक्सटेक की। तो एक्सटेक में आपको सबसे पहले सस्पेंशन की बात कर लें तो इसमें टेलोस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक्स रिजर्व देखने को मिल जाएगा। वहीं दोनों साइड आपको मेडिगार्ड पर जो है, इसका जो मेडिगार्ड आप देख रहे हो इस पर जो आपको दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लें तो इसमें IBS देखने को मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। ब्रेक की हम बात कर लें तो इसमें आपको ड्रम देखने को मिल जाएगा। इसकी साइज़ की हम बात कर लें तो इसमें आपको 130mm इसका जो है साइज़ हो गया। व्हील टाइप की बात कर लें तो इसमें आपको अलॉय मिलेगा, ये आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा। वहीं इसकी हम साइज़ की बात कर लें तो 18 इंच इसका साइज़ हो गया। टायर प्रोफाइल की हम बात कर लें तो इसमें आपको 80x100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर C8 कंपनी का जो कि आपको इसमें आपको मिल जाता है C8 कंपनी का। वहीं हम चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल पे, तो बैक सस्पेंशन की हम बात कर लें तो इसमें आपको जो है ये जो आप देख रहे हो 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक्स रिजर्व देख सकते हो, इसमें आपको मिल रहा है 5 स्टेप एडजस्ट कर सकते हो इसमें। एलॉय साइज़ की बात कर लें तो इसमें आपको 18 इंच मिलता है। ब्रेक इसमें आपको ड्रम मिलेगा। साइज़ की हम बात कर लें तो 130nm मिल जाएगा। वहीं टायर प्रोफाइल की हम बात कर लें तो 80x100 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर जो कि C8 कंपनी का मिल जाएगा। चलते हैं इसके पीछे ब्रेक टेल लाइट की बात कर लें तो इसमें आपको हैलोजन मिलेगा, इसमें आपको LED नहीं मिलेगा। इंडिकेटर भी आपको हैलोजन मिलेगा। नीचे यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने का जगह दे दिया, ये कुछ इसका रिफ्लेक्टर हो गया। तो ये कुछ इसका था ब्रेक बैक प्रोफाइल, ये हो गया मेटल का जो है कैरियर इसमें दे दिया गया जो कि आप सामान वगैरह कैरी कर सकते हो। बाकी साइड प्रोफाइल से भी देख लेंगे, उससे पहले हम इसके डिजिटल जो मीटर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए डिजिटल मीटर के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ हो गया इसका डिजिटल मीटर, जो छोटा सा इसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है। यहाँ पर ही इसके डैशबोर्ड पर इसमें आपको जो है USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर इसमें आपको मिल जाता है। बाकी इसको ऑन करने पर ऐसा कुछ इसमें नज़ारा इसमें आपको मिलता है। ये कुछ हो गया इसका साइड स्टैंड हो गया, ये कुछ हो गया इंडिकेटर हो गया लेफ्ट राइट इंडिकेटर हो गया, यहाँ पर हो गया हाई बीम का इंडिकेटर, ये माल फंक्शन इंडिकेटर हो गया, और यहाँ पर जो है ये I3S का इंडिकेटर हो गया। I3S ऑन करने पर, इंजन ऑन करने पर ऑन हो जाएगा, और ये न्यूट्रल इंडिकेटर, ये रिजर्व फ्यूल इंडिकेटर। बाकी ये आपका ये जो है डिजिटल में भी शो करेगा फ्यूल गेज इंडिकेटर। यहीं पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा और कॉल SMS अलर्ट इसी में आपको मिल जाएंगे। बैटरी इंडिकेटर भी यहीं पर शो करेगा, आप देख सकते हो। बाकी कुछ ये हो गया स्पीडोमीटर, यहाँ पर माई हीरो करके जो यहाँ पर आ रहा, और यहीं पर आप ट्रिप चेंज कर सकते हो, यहीं मूड का बटन दिया हुआ ट्रिप भी यहीं से चेंज कर सकते हो। ये था कुछ इसका जो है डिजिटल मीटर। बाकी इसके हैंडल बार पर आते हैं तो हैंडल बार में आपको क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले ये तो हो गया आपका कुछ मिरर हो गया, और ये हो गया आपका ब्रेक लीवर हो गया। ये I3S ऑन ऑफ मिल जाता है इसमें I3S। वहीं नीचे आ जाते हैं, नीचे इसमें आपको सेल्फ का बटन मिल जाएगा, ये इसमें आपको सेल्फ का बटन मिल जाएगा। बाकी दूसरे साइड आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई बीम लो बीम का ये बटन हो गया, ये आपका लेफ्ट राइट इंडिकेटर का बटन हो गया, नीचे हॉर्न का बटन हो गया, और ये आपका क्लच लीवर हो गया। बाकी ग्रिप्स देख सकते हो, ग्रिप्स ठीक ठाक है, हीरो वाले में ठीक ठाक ही मिलती है। बाकी ये कुछ इसका मिरर हो गया। तो ये कुछ था डिजिटल मीटर और हैंडल बार। वहीं इसके हम पेट्रोल टैंक की हम बात कर लें तो इसमें आपको
9.8 लीटर का इसमें आपको पेट्रोल टैंक कैपेसिटी इसमें मिल जाता है। इसमें आपको 1 लीटर का जो है 1 लीटर का रिजर्व फ्यूल लगेगा। वहीं राइडिंग रेंज की बात कर लें, एक बार जो इसमें पेट्रोल आप डलवा लोगे तो इसमें आपको 588 km इसका जो है पूरा ऑल ओवर राइडिंग रेंज कवर करेगी ये बाइक। वहीं जो इस बाइक की जो है वहीं जो इसकी माइलेज की हम बात कर लें तो इसमें आपको 60 km पर लीटर का इसमें आपको माइलेज मिल जाएगा। टॉप स्पीड की हम बात कर लें इस बाइक में तो आपको 87 km पर आवर का इसमें आपको जो है टॉप स्पीड मिल जाएगा। वहीं हम अब इसकी जो बाइक की हम पावर की हम बात कर लें तो इसमें आपको जो है 97.2 cc का इसमें आपको इंजन मिल जाएगा। वहीं मैक्सिमम पावर की हम बात कर लें तो इसमें आपको जो है 7.91 ब्रेक हॉर्स पावर का ये बाइक जो है पावर जनरेट करती है। मैक्सिमम टॉर्क की हम बात कर लें तो इसमें आपको 8.05 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिलेगा आपको। वहीं ट्रांसमिशन टाइप की हम बात कर लें तो 4 स्पीड मैनुअल देखने को मिलेगा। ऑल 4 आप देखने को मिलेंगे, चारों गियर जो है इसमें ऊपर देखने को मिल जाएगा। वहीं बाइक की जो है डायमेंशन और चेचिस के बारे में बात कर लें तो इस बाइक का जो है कर्व वेट के बारे में बात कर लें तो 112 kg का कर्व वेट हो गया। सीट हाइट की हम बात कर लें, सीट हाइट जो आप देख रहे हो इसकी जो हाइट होगी 785 mm। ग्राउंड क्लियरेंस की हम बात कर लें तो इसमें जो है आपको 165 mm हो गया। और ओवरऑल लेंथ जो बाइक का है वो 2000 mm हो गया। वेब चौराहे के बारे में बात कर लें तो इसमें आपको जो है 720 mm इसका चौराहे हो गया। हाइट के बारे में बात कर लें बाइक की तो 1052 mm इसका हाइट हो गया। वहीं व्हील बेस जो इसका है 1236 mm। चेचिस टाइप की हम बात कर लें तो इसमें आपको ट्यूबलर डबल क्रेडल इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं एडिशनल फीचर्स इसमें जो है मिलते हैं तो वो हम लास्ट में बताएंगे। और अब बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पर जो E20 का इसमें आपको अपडेट मिल जाता है। और यहाँ पर जो ये गियर पैडल देख रहे हो ये ऑल फोर ऑफ इसमें ऊपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है एक ये सिंगल हॉर्न मिल जाएगा, ये आपका लेग गार्ड हो गया, ये कुछ इसका गियर बॉक्स हो गया, इसमें एयर कूल देखने को मिल जाएगा। और ये इसका चैन कवर हो गया जो कि आपको ये जो है मेटल में आपको मिल जाएगा। ये इसका बैक फुट पैक्स हो गया, ये राइडर फुट पैक्स हो गया, ये हो गया इसका गियर पैडल हो गया, ये कुछ इसका सारी गार्ड हो गया। और चलते हैं इधर राइट प्रोफाइल में तो राइट प्रोफाइल में आप देख सकते हो यहाँ पर सीट कावल पैनल पर i3s का जो स्टिकर मिल जाएगा। सेंटर में आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का जो है बैजिंग मिल जाएगा। ये जो आपको 3DM मिल जाएगा, ये पावर स्टार्ट इंजन इसमें आपको मिल जाएगा 95। ये आपको इसमें आपको जो है हीरो का 3D लोगो इसमें टंकी पर ग्राफिक्स ब्लू कलर का, इसमें 3D लोगो सिल्वर कलर का इसमें आपको मिल जाता है। बाकी इसके जो एग्जॉस्ट की हम बात कर लें तो ये जो आपका हो गया कैटलिक कन्वर्टर हो गया, ये हीट शील्ड कवर हो गया, और ये इसका कुछ मुफलर हो गया, इसमें जो सिल्वर कलर का हीट शील्ड कवर इसमें आपको दे दिया गया। तो ये कुछ था इसका साइड प्रोफाइल। और ये कुछ हो गया इसका किक पैडल हो गया, ये हो गया ब्रेक पैडल, ये रडर फुट रेस्ट हो गया, ये बैक फुट रेस्ट हो गया। तो ये था इसका साइड लेफ्ट तो मैंने दिखा दिया। अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक की जो कीमत है और एड्रेस के बारे में बात करेंगे और कहाँ से आप फाइनेंस करवा सकते हो। इसमें जो 4-5 अपडेट जो इस बाइक में दे दिए गए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर इसमें मिल जाता है। यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, i3s का इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं जो इसमें आपको DRLs मिल जाएंगे और E20 का भी अपडेट इसमें इस बाइक में आपको मिल जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आपको IBS देखने को मिल जाएगा, ये था इसमें। और एक जो है इसमें आपको एडिशनल फीचर की बात कर लें तो इसमें आपको एक्सहेंस एडवांसड टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिल जाता है इस बाइक में। वहीं इस बाइक की हम आज के डेट में इस बाइक की हम कीमत की बात कर लें, जो एक्सटेक i3s DRC जो है इसका जो कीमत की बात कर लें तो इसमें आपको एक शोरूम प्राइस जो इसका जो है 79,861 रुपये इसका जो है एक शोरूम प्राइस पड़ेगा। और ऑन रोड प्राइस की हम बात कर लें तो 96,301 रुपया जो है ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। बाकी ये तो हो गया इसका प्राइस, बाकी फाइनेंस डिटेल के बारे में मिनिमम डाउन पेमेंट यहाँ पर आप आके मिनिमम डाउन पेमेंट आपको जो है 12,000 में इसे डाउन पेमेंट करके ले सकते हो आप। एड्रेस की हम बात कर लें तो राज एजेंसी विजय नगर बाईपास मेरठ जो एक्सप्रेस वे उसके बगल में ये शोरूम पड़ता है। यहाँ पर आप आकर मिनिमम डाउन पेमेंट 12,000 में इस बाइक को ले जा सकते हो। आपको कागज़ इसमें लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, अकाउंट डिटेल, चेक, ATM का किसी का एक फ़ोटो कॉपी और 2 फ़ोटो। बाकी मिनिमम MI में इस बाइक को आप यहाँ पर आकर ले जा सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक i3s DRC का जो फुल डिटेल रिव्यू है आप लोग को कैसा लगा।
आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो इंडियन ऑटो बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।